पॉपुलर है, जितने अपने दोस्तों से सुनता हूँ, अपने नज़दीकी कलाकारों से सुनता हूँ, सो आई हैव हर्ड अ लॉट, सो आई एम रियली प्राउड एंड हैप्पी एंड द स्केल दैट आई कैन सी राइट नाउ, जिस स्केल पे ये चीज़ हो रही है, ये अवार्ड हो रहे हैं, ये बहुत ही लार्ज स्केल है एंड इट्स एन ऑनर टू बी हियर. जानता हूँ कि इतना कह सकता हूँ कि मैं उनके साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, आप लोग भी काफ़ी अरसे से उनके शोज़ और हमारे शोज़ को देखते आ रहे हैं, बहुत खुशियाँ फैलाई हैं, बहुत ही हंसी मजाक किया है, लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है. तो आज की डेट में जब वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि उनकी तबीयत ज़रा सी ख़राब है, नासाज है, उन्हें थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, तो मैं सभी लोगों से अपने दोस्तों से मीडिया से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें थोड़ा स्पेस दे दो, उनको अभी रिलैक्स करने दो, उनको ठीक फील नहीं कर रहे हैं. लेकिन हमने इतना इन्जॉय किया है, मुझे बड़ा बुरा लगेगा अगर ऐसा कलाकार जो इतना अच्छा काम कर चुके हैं वो वापस नहीं दिखाई देते तो, या कम वक्त के लिए दिखाई देते हैं. आई रियली विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर रिकवरिंग ऑन हिज हेल्थ एंड ही शुड बी बैक विद अ बैंग. और मुझे क्या मतलब, पूरे देश को इंतज़ार रहता है कि वो कब अपना शो करें, जोश में करें और अच्छा करें, तो वो काम तो वो अच्छा ही करते हैं.